सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एक नया अपडेट और एक काफ़ी बड़ी एक गुड न्यूज़ आ रखी है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी आरपीएससी ने अपना एक ओटीआर मींस फर्स्ट टाइम अपन ने जो रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, जी हाँ फ्रेंड, तो उसको आप अभी संशोधन मतलब आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी संशोधन है। आपको मैं पहले बता दूँ, ये पिछली बार फ्री था पर अब की बार फ्री नहीं है। इसके लिए आपको 500 रुपये का चालान भुगतान करना पड़ेगा। फ्रेंड, आप सबके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, व्हाट इज ओटीआर? ओटीआर आखिर होता क्या है, इसको हम क्या काम में लेते हैं, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमारे क्या काम का है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी हम सब राजस्थान से रिलेटेड करते हैं। अभी आने वाली कितनी सारी वैकेंसीज होगी जिसको हम आरपीएससी के थ्रू हम भरते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, आरपीएससी ने ये कर दिया कि आपको एक टाइम के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जहाँ पे आपका नेम आ जाता है, फादर्स नेम आ जाता है, आपकी एज आ जाती है, आपका आधार कार्ड नंबर आ जाता है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है फ्रेंड्स, आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमको क्या होता है, कई कई बार जैसे हम किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, हमारा आधार कार्ड नंबर अपडेट हो जाता है, या फिर हमारा आधार कार्ड में कोई अंदर की हम वैल्यू अपडेट कर देते हैं। कई बार फ्रेंड्स, ये होता है कि हमारा मोबाइल नंबर खो गया, हमारे मोबाइल नंबर पे कोई चीज़ हमारे पर नहीं आ पा रही, हमें मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। फ्रेंड, ऐसे क्या होता है, हमें कई कई बार क्या चीज़ होती है, हमें अपने मोबाइल पर चीज़ अपडेट करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड, इससे हमारा आधार कार्ड और हमारा जो भी हमने नया घर ले लिया, हमने पुरानी जगह छोड़ दी, हमारा उससे एड्रेस सारा अपडेट हो गया। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमें कई बार हमें उसके अंदर ये चीज़ जरूरत पड़ती है कि अगर हम आरपीएससी से रिलेटेड कोई भी अगर वैकेंसी में हम अप्लाई करते हैं तो हम ओटीआर के थ्रू ही जाते हैं। अगर मैंने वन टीआर में अब जो मैं एप्लीकेशन में जो भी चीज़ जो रजिस्ट्रेशन टाइम में जो भी सेव कर दी थी वो सेव रहेगी, पर जब नेक्स्ट टाइम में अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन भरता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिल करता है। तो उसी को देखते हुए सरकार ने ये दूसरी बार, जी हाँ फ्रेंड, ये दूसरी बार संशोधन करने की प्रक्रिया करी है। पिछली बार फ्रेंड जून जुलाई के अंदर की थी, ये बिल्कुल फ्री थी, आप कभी भी जाके इसमें कर सकते थे, पर इस बार फिर ये चीज़ों को देखते हुए सरकार ने 500 रुपये के साथ आपकी फ़ीस कर दी है। फीस के साथ आप सबको इसका ये चालान कटवा के इसको भरना पड़ेगा। अब बात आती है कि फ्रेंड इसको करना किस तरीके से होता किस तरीके से, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जिस तरह की भी राजस्थान लोक सेवा अजमेर ने 2/11 को एक अपना एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसके अंदर बता दिया है ओटीआर की चार चीज़ें। जी हाँ फ्रेंड्स, अब चार चीज़ें होती है, इसका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्म दिनांक और लिंग। इसमें आप संशोधन हेतु ध्यान रखना, सिर्फ इसको ही इसको संशोधन करने हेतु कब आपका चार जो निःशुल्क मतलब यहाँ का 25/6/2022 से 24/7 निःशुल्क किया गया था। तत्पश्चात भी क्या हुआ, बहुत सी जैसे कैंडिडेट्स होते हैं कि नहीं सर मेरे को कुछ मेरा नाम अभी भी नाम अपडेट कराना, पिता का नाम में गलती हुई, जन्म तिथि थोड़ी गलत, लिंग में भी थोड़ा चेंज कराना गलती हो गई थी। तो फ्रेंड, इस बार इन्हीं चार चीज़ों को करते हुए संशोधन करते हुए आपको 500 रुपये याद रखना फ्रेंड, 500 रुपये की आपको आपको चालान कटवाना पड़ेगा, उसके बाद आप सारी चीज़ आप कर सकते हैं। अब करना कैसे होता है फ्रेंड्स, आपको इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओटीआर के लिए आपको राजस्थान गवर्नमेंट इनकी जो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो आपके पास एक जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था वहीं पे जाके आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके पास पन्ना खुल जाएगा, जहाँ पे खूब आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन सारी गैदर मतलब कलेक्ट कर लेगा फ्रेंड्स। फिर अपने पास जब इसको पूरा स्क्रोल करके नीचे आओगे तो आपके पास एक बटन मिलेगा जिसका नाम होगा सिंक्रोनाइज, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके मिल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो चार पांच चीज़ें हैं मेरे को इनमें से कोई चीज़ अपडेट करनी है तो आप उसको अपडेट करके सिंक्रोनाइज कर दोगे। सिंक्रोनाइज मतलब ये होता है कि इसको श्रिंक कर देना, जो मेरी पहले चीज़ चल रही थी जो मैंने डाली है वो उससे श्रिंक हो जाएगी, फिर फ्रेंड आप उसको श्रिंक कर सकते। पर फ्रेंड जो अगर आप ओटीआर को सिंक्रोनाइज करने के लिए उससे पहले आपको ई मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आपको 500 रुपये का शुल्क जमा कराना पड़ेगा। अगर आप जैसे इसको जमा कर देते हैं तो फ्रेंड्स आप इन चार प्रविष्टियों को ओटीआर प्रोफाइल से अलावा नहीं बल्कि आवेदन से संशोधन हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं, अगर आप ये भी आपको वन टाइम के लिए ही मिलेगा, अगर आप इसमें जो भी चेंज करते हैं आपको बहुत सोच समझ करना है, अगर आप फिर भी कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसका आप कोई संशोधन नहीं कर पाओगे, आप इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी कोई संशोधन में कोई दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप आके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन आके आपको पूरी हेल्प करवा देंगे, अथवा
आपको ये राजस्थान का ये हेल्प डेस्क और आपके इनके नंबर अवेलेबल करा रखे, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फ्रेंड अभी भी लगता है कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए, हमसे बात कीजिए, या फिर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप हमारे हमारे जो ये गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसीज की वेबसाइट पे जाके हमसे आपसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। अगली बार आप फिर नॉट 24 उपस्थित होंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।